जय हिंद दोस्तों, फैंटेसी क्रिकेट सर्वे में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज का जो मैच होगा बीबीएल का, ठीक है। तो आप ग्रैंड लीग कैसे क्रैक कर सकते हो, ठीक है। आप देखते होगे मतलब कि जो भी ग्रैंड लीग होता है बिल्कुल अलग लेवल का जाता है, ठीक है। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको थोड़ी सी चीजें ध्यान में रखनी है ना, मतलब कि हर T20 मैच का फॉर्मेट होता है, ठीक है। वो चीजें मैं आपको बताऊंगा। मान लो कि प्लेइंग 11 जो आज बीबीएल का मैच हो, लगभग प्लेइंग 11 होने वाली है, ठीक है। अगर बाई चांस अगर चेंज होती है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको देखना क्या है, देखो जितने भी T20 के मैच होते हैं, T20 के चाहे आप IPL का उठा लो, CPL का उठा लो, PSL का उठा लो, BBL हो रहा है ना, या सुपर T20 सुपर मैच होगा वो उठा लो, कोई सा भी T20 मैच उठा लो, ठीक है। मैच क्या होता है अगर देखो तो आप 150 से 170 रन बनते हैं, ठीक है। 150 से 170 रन बनता है, इतने रन बनते हैं 170 मान लो, अगर कि बहुत ज्यादा बना 170 खींचेगा, वरना 150 तक तो 160 170 ये लास्ट होता है, ठीक है। आपको करना क्या है, देखो यहाँ से 150 से 170 का इतना मान लो कितना रन है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले हमें टीम में लेना क्या है, हम गलतियां क्या करते हैं, सबसे मेन रीजन क्या होता है, ठीक है। देखो आपके पास 5 बॉलर होते हैं, ठीक है। 5 बॉलर को पहले आपको 3 बॉलर में तोड़ना है, 5 बॉलर को। देखो आपके पास 1 2 3 4 5 यहाँ तक 5 बॉलर होते हैं, ठीक है। ये आपके पास 5 बॉलर है, ग्रैंड लीग जो है यहाँ से स्टार्ट होगी आपकी, यहाँ से, ठीक है। देखो 5 बॉलर है आपके पास, देखो अब इनमें से क्या होगा, कोई एक ऐसा बॉलर रहता है जो 3 विकेट ले आता, हमें नहीं पता कौन सा ले जाएगा, लेकिन कोई एक बॉलर ऐसा निकल गया था जो सारा 3 विकेट ले जाएगा। अगला बॉलर जो रहेगा या तो वो 2 विकेट लेगा या तो अगला भी 3 विकेट लेगा, फिर अगला जो बॉलर रहेगा या तो वो 1 विकेट लेगा या तो 2 विकेट लेगा, है ना। तो हमें अपने टीम में वही चाहिए होता है, हमें 11 प्लेयर चाहिए होता है, हमें वो चाहिए होता है कि 3 विकेट कौन से लेगा या 2 विकेट, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो यहां से डेथ ओवर में जो बॉलिंग कराएगा, जरूरी नहीं कि डेथ ओवर वाला सारा 3 विकेट ले जाए, ऐसा नहीं होता है, है ना, ये तो पागलपंती है, हमेशा नहीं होता है, कभी कभी होता है उसको 3 ओवर तक एक भी विकेट नहीं मिलता है, लास्ट के 1 ओवर में 1 विकेट मिल जाता है, ऐसा भी तो होता है ना। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले देखो एक बॉलर उठाओ, पहला एक बॉलर ले लो, कोई सा भी एक बॉलर ले लो, 2 3, देखो यहां से 3 बॉलर का एक पेयर बनाओ। अगर आपके पास एक टीम है, आपके पास 3 बॉलर होने चाहिए, ठीक है। फिर आपके पास क्या होने चाहिए, फिर आपके पास 3 बॉलर फिर से होने चाहिए, फिर आप क्या करो, इन बॉलर को इनमें से एक को ड्रॉप करो, आप 2 बॉलर बोलो, फिर ये 2 बॉलर लो, फिर तीसरे बॉलर के साथ आपको जाना है, समझ में क्या करो ना, ठीक है। देखो अगर आपके पास जेल पेरिस है ना, और स्कॉट वेलैंड है, और संदीप लामिछन है, आपके पास 3 बॉलर है, ठीक है, 3 बॉलर है, तो आपको क्या करना है, अगली टीम में एक बॉलर को ड्रॉप करना है और अगली बॉलर से एक बॉलर लेना है, यानी कि आपके पास अगर 5 बॉलर है ना, तो आप 3-3 का पेयर बनाइए, मतलब कि एक बॉलर ऐसे होनी चाहिए, एक बॉलर, ठीक है, उसके बाद 3 का पेयर बनाइए, फिर इनमें से एक बॉलर को जिसको ड्रॉप करोगे ना, दूसरे बॉलर को पिक करके इसमें डाल दो, फिर एक टीम बनाइए जिसमें 3 बॉलर आपके पास होने चाहिए, यानी कि आपके पास अगर ये 3 टीमें हैं तो आपके पास तीनों टीमों में से 5 बॉलर आने चाहिए। जब 5 बॉलर आ जाएंगे ना, तो कैप्टनशिप के पास कैप्टनशिप का ऑप्शन अभी और निकल जाएगा, है ना। अभी क्या करना है, आपको 5 बॉलर है, आपके 5 बॉलर में से 3 बॉलर तो ऐसे रहेंगे जो विकेट निकालेंगे, वो सारे चाहे 6 विकेट ले जाए, 7 विकेट ले जाए, हो सकता है कि तीनों बॉलर 3-3 विकेट ले जाए ना, लेकिन 5 बॉलर कभी एक साथ नहीं चलेंगे, अगर चलेंगे तो एक एक चलेगा, अगर कोई मान लो 1-3 ले रहा है, 1-3 ले रहा है, 1-2 ले रहा है, 1 ले रहा है, 1 ले रहा है, तो हमें इनको तो देखना ही नहीं है, है ना, हमें तो वो देखना है जो 3 विकेट ले रहा है, अब 3 विकेट कौन सा ले रहा है, सीधी सी बात है। अब सीधा उस पर जाओ डेथ ओवर में, जो मतलब कि जो 18वां ओवर कराता है, 20वां ओवर कराता है ना, हमें उन पे जाना, उन पे जाना है, आपको पता होना चाहिए, है ना, और ये पता और पता लग ही जाता है, मान लो टी हो जा रहा है 18-20 ओवर कराता है, ठीक है। अब इस प्लेयर को आपको छोड़ना ही नहीं है टीम में से, इसको नहीं छोड़ना है, जो पहले बॉलिंग करता है उनमें से इस प्लेयर को आपको छोड़ना ही नहीं है। अब एक प्लेयर तो डिफॉल्ट हो ही गया ना, अब आपको 11 प्लेयर में से 10 प्लेयर चाहिए ना, 10 प्लेयर भी मिलेंगे बिल्कुल परफेक्ट मिलेगा, ठीक है। अब आपको एक प्लेयर मिल गया है ना, अब ये तो हम छोड़ेंगे नहीं, अब हमें 2 बॉलर और चाहिए, सीधी सी बात है, आपके पास 4 बॉलर बचते हैं, नाथन एलिस को लो या फिर संदीप लामिछन को लो इसके साथ, ठीक है, फिर नाथन एलिस को लो, फिर उसके साथ क्या करो, स्कॉट बोलैंड को लो, फिर नाथन एलिस को लो, उसके बाद जे पेरिसन को लो, ठीक है। अब क्या हुआ, आपके पास 3 बॉलर मिल गए, एक तो आपके पास डिफॉल्ट बॉलर है, आपने इसको ट्राई किया, उसके बाद इसको किया, यानी कि एक बॉलर आपके पास पहले से है, ये पहले से है, फिर उसके बाद हमने नाथन एलिस को लिया, उसके बाद संदीप लामिछन, 3 बॉलर ये हो गया, फिर ये हमारे पास पहले से ही है, फिर हम क्या करेंगे, नाथन एलिस के साथ उसके क्या करेंगे, स्कॉट बोलैंड को ले लेंगे, फिर ये हमारे पास टी रोजर पहले से ही है, फिर नाथन एलिस के साथ जेल प्रेसन को, यानी कि 3 बॉलर आपके पास बिल्कुल परफेक्ट हो गया है ना। आपके हर एक टीम में ये 3 बॉलर होने चाहिए। देखो अब क्या होगा, ये तो डिफॉल्ट ही आपका चलेगा चलेगा, यानी कि 18-20 ओवर करा रहा है, विकेट निकालेगा, ये विकेट निकालेगा, ठीक है। अब 2 बॉलर कौन से होंगे जो विकेट निकाल के देंगे, उनमें से कोई एक,
तो आपके पास एक बॉलर हो गया, दूसरा भी हो गया, तीसरा भी हो गया, इसके साथ चौथा भी हो गया, चौथा पांचवा भी हो गया। सीधी सी बात है, अगर आप पांच टीम बना रहे हो तो यही सारा गेम यहीं पर है, अभी तक सारा गेम यहीं पर है। आपकी जो ग्रैंड लीग चल रही है ना, अभी तक सारा गेम यहीं पर है, ठीक है। अब सीधी सी बात है, अब आते हैं बैटिंग सेशन में। बैटिंग सेशन में क्या होगा, कोई तीन ही बैट्समैन चलता है हमेशा T20 में, जो अगर 200 रन जाएगा 180 रन जाएगा तो वही होंगे चार बैट्समैन चलेंगे, वरना चार बैट्समैन कभी नहीं चलते T20 में। T20 में तीन ही बैट्समैन चलेगा, या फाड़ के सोचो, ठीक है। यहां से आते हैं हम, देखो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आओ, पहले देखो 6 बैट्समैन, क्योंकि सीधी बात है 3 बैट्समैन चलेगा और 8वें नंबर 10वें नंबर वाला कभी चलने वाला नहीं है बैट्समैन, ठीक है। तो सीधी बात है, यानी कि टॉप से लेके 5 तक चलेगा। अब 5 को आपको पिक करना, सीधी बात है, पहले कौन आता है, जोसी ग्री सकर आता है। सबसे पहले क्या करना, आपको ओपनर पे ध्यान रखना है, पहले ओपनर पे लो। यहां से ये चीजें तुम्हें सेम रखनी है, इसमें चेंज नहीं करना है। बॉलर तो आपके पास सेम है, आपने क्या किया, बॉलर तो आपने ले रखा है, अब आपको बैटिंग पे जाना है, जो पहले बॉलिंग जो पहले बैटिंग करे, ठीक है। पहली बात क्या करना, आपको एक तो ओपनर पे चले जाओ, मतलब कि ये कॉम्बिनेशन आपको हर टीम में रखना है, 5 6 7 टीम जितने टीमें बनाएंगे आपको अभी रखना है। अभी कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए मत सोचना, ठीक है, क्योंकि अभी अभी क्या है, आपके पास ये है, आपको क्या करना है कि आपके पास जो सिंगलिस है उसके बाद यार कॉलिंग बुन रहा हूँ। अब सीधी सी बात है, 5 ओवर के अंदर में एक विकेट गिरता ही गिरता है, ठीक है। अब गिरा दो कॉलिंग बुन रहा, गिरा दो, ठीक है, आउट हो गया। अगले में क्या करना है, आपको इसको रख लेना है, मिशेल मार्श को रख लेना, जो सिंगलिस आपके पास अभी है, ठीक है। उसके पास क्या करना, मिशेल मार्श को आपने रख लिया, ठीक है। आपके पास ये बॉलर है, इन पे हटाना नहीं है, इनको तीन बॉलर आपके पास फिक्स है, इनको नहीं हटाना है, लेकिन यहाँ पे आपको चेंज करना है, ठीक है। जो सिंगलिस हो गया, मिशेल मार्श हो गया, अगली में क्या करना है, लोरी वंस को ले लो, अगली जो टीम बनेगी, ठीक है। अगली में क्या करना है, फिर इसको ड्रॉप करके आप ये ले लो आशुतोष टंडन। अब क्या होगा, या तो जो सिंगलिस चलेगा है ना, मिशेल मार्श चलेगा, लोरी वंस चलेगा, या फिर क्या होगा, जो सिंगलिस चलेगा, मिशेल मार्श चलेगा, या फिर आशुतोष टंडन चलेगा। तीन बैट्समैन चलेंगे, आपको तीन तो लेके जाना ही जाना पड़ेगा, ठीक है। अब चाहे आप चाहे जैसे ले लो, या तो आप करो जो सिंगलिस का ड्रॉप करते हो तो मिशेल मार्श फिक्स कर लो, है ना, फिर कोलिन मुनरो, या फिर, और दूसरी बात, जो पांचवा और छठे नंबर का बैट्समैन आता है ना, वहां से एक ना एक तो चलता ही चलता है। अब देख लो, यानी कि 3-4 विकेट गिरता है तो चौथा जो पांचवें नंबर पे है वो चलेगा। तो सीधी बात है, अगर आयरन हार्डी है, एस्टन अगर है, यानी इन तीनों में से कोई एक तो चलना ही चलना है, ठीक है। अब यहां से आपको ट्राई करना है, ठीक है, ऊपर में से कोई दो में से, अब इतना तो सोचेंगे नहीं, है ना। तो सीधी बात है, ऊपर में से कोई एक प्लेयर ले लो, अगर जो सीनियर है, ठीक है, उसको छोड़ो, यहाँ से कोलिन मुनरो आ रहा है, या फिर मिशेल मार्श, दोनों में से किसी को ले लो। अभी के लिए एक ही प्लेयर ले लिया, ये कोलिन मुनरो या मिशेल मार्श में से, मैंने मिशेल मार्श को ले लिया, कोलिन मुनरो को ड्रॉप कर दिया, सीधी ड्रॉप कर दिया, ठीक है। एक प्लेयर हो गया यहाँ से, तीन प्लेयर मेरे बॉलर में से अभी यहाँ से है, चौथा प्लेयर मेरा ये हो गया। अब पांचवा प्लेयर क्या करूंगा, अब एक विकेट और गिरेगा, क्योंकि 8वें 9वें तक में फिर विकेट गिरता है ना, 20 ओवर का मैच होता है। तो सीधी बात है, अब लोरी वंस को ले लो, चलो एक तो मिशेल मार्श हो गया, मिशेल मार्श हो गया, लोरी, दो प्लेयर हो गए मेरे पास, है ना। अब एक बैट्समैन मुझे और लेना है, अगर एक बैट्समैन और लेना रहेगा, या तो मैं इसको ड्रॉप करके या तो आशुतोष टर्नर के साथ जाऊंगा, या फिर इसको ड्रॉप करके मैं जोसी इंग्लिश के साथ जाऊंगा। सीधी सी बात है, क्योंकि भाई 150 रन भी तो बनेगा, रन भी तो प्लेयर ही मारेगा ना, 150 रन बनेगा, यानी कि कोई तीन बैट्समैन चलेगा, क्योंकि 80-90 रन तो कोई एक प्लेयर मारेगा नहीं, कोई एक प्लेयर रहेगा जो 40 का भी मारेगा, है ना, 50 बहुत कम मारते हैं, है ना, T20 में कोई एक प्लेयर रहेगा जो 40 मारेगा, 40 या तो ये मारेगा, ये मारेगा, ये मारेगा। अब क्योंकि यहां से तुम फिक्स कर लो इसे, अब यहां से कोई एक ही ट्राई करो ना, या तो जोस इंग्लिश को ले लो, सोचो कि चलो 30 रन मार देगा, है ना, मिशेल मार्श कोलिन मुनरो को ड्रॉप कर दो, 40 रन ये मार देगा, 4 3 7 70 रन हो गए, अभी कम से कम 40 रन बनेगा, अभी दो प्लेयर चलने को उम्मीद है, लेकिन हमें एक लेना है, क्योंकि हमें अब वो भी तो मारेंगे रन, उधर से भी तो ले जाए ना, फिर आगे आशुतोष टंडन को ले लो। यहाँ से तीन प्लेयर हमने ले लिया है ना, तीन प्लेयर इधर से हो गए, तीन प्लेयर इधर से हो गए, 6 प्लेयर हो गए, है ना, तीन प्लेयर तुम्हारे फिक्स है, ध्यान रखना तीन प्लेयर फिक्स है, कि अगर एक प्लेयर ये है, एक ये है, तो एक बॉलर उसके साथ लेना है, फिर दूसरा बॉलर, तीसरा बॉलर, कैप्टन वाइस कैप्टन अभी छोड़ दो, अभी मत देखो कैप्टन वाइस कैप्टन कौन होगा, ठीक है। तीन प्लेयर यहाँ से हो गए, तीन प्लेयर यहाँ से हो गए, अगर ज्यादा कंफ्यूजन हो तो यहाँ से एक प्लेयर और उठा सकते हो, क्योंकि जो पहले बैटिंग करेगा उसके बैटिंग करने ज्यादा चांस है, तो 6-7 प्लेयर हो जाएंगे, है ना। बाकी अभी छोड़ो, अभी हमें 5 प्लेयर चाहिए, तीन यहाँ से हो गए, तीन यहाँ से हो गए, 6 प्लेयर हो गए, हमें 5 प्लेयर चाहिए। अब 5 प्लेयर क्या होगा, अब 5 प्लेयर वो होंगे चेज करेंगे, जब चेज करेगा तो सीधी बात है, अगर 160 रन बना है तो 160 रन तो अगर हारे या जीते, लेकिन 150 रन 55 रन तो ये भी तो मारेंगे ना। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले ओपनिंग पे जाओ, ठीक है। आपके पास देखो तीन प्लेयर बॉलर यहाँ से हैं, आपने तीन यहाँ से ट्राई कर लिया है, 6 प्लेयर हैं आपके पास, ठीक है। अब आपके पास अब आना है कहाँ पे, जो चेज करेंगे, सिर्फ पहले क्या करो ओपनर को लो, हो सकता है कि ओपनर, कभी कभी क्या होता है ओपनर चलता है ना, उसके बाद 2-3-4 विकेट गिर जाएगा, फिर कोई नहीं चलेगा, ओपनर मार जाते हैं 60-70 रन, ठीक है। सबसे पहले ओपनर को ट्राई करो दोनों को,
डार्सी शो होता है मिट्टू वेट है ना, दोनों ट्राई करो। फिर अगली टीम में क्या करना है, अगली टीम में मिट्टू वेट को ड्रॉप कर दो क्योंकि एक ही चलेगा, एक आउट होगा। फिर क्या करना है, हार्डिबो को लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अगली टीम में क्या करना है आपको, और एक चीज ध्यान रखना, बॉलर आपको अब इधर से भी लेने हैं, और इधर से कब लेने वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आपने तीन तीन छह हो गए, आपने एक में लिया सात हो गया, एक में अगली टीम में क्या करना है, दो प्लेयर को ड्रॉप करो, एक ओपनर चलेगा और एक विकेट गिरता रहेगा, ऐसा होता है, एक टिका रहेगा, एक विकेट गिरता रहेगा, है ना। उसके बाद क्या करना है, तीसरा तीसरे को पिक कर लेना है, है ना। अब कितने हो गए, तीन प्लेयर इधर से हो गए, तीन इधर, छह दो आठ हो गए, आठ। अब दो प्लेयर और यहां से लेना, अब आपको बॉलर लेना है क्योंकि अगर इनके विकेट गिर रहे हैं तो विकेट भी तो ये गिराएंगे ना। अब क्या करना है, अब आपको इनके पास पांच बॉलर है, ठीक है। अब हमें ये नहीं पता कौन सा बॉलर विकेट ले जाएगा, अब यहां पे आपको सर्कल चलाना है, आपको पता क्या करना है, एक बॉलर ट्राई करना है। पहले टीम में आप एस्टन एगर को ले लो, छोड़ दो। दूसरे टीम में क्या करो, आप एंड्रू टायर को ले लो, छोड़ दो। तीसरे टीम में क्या करो, बैंड्रॉप को ले लो। यहां से चेंज करते रहो, है ना, आपके पास है यहाँ से यहाँ से यहाँ से फिक्स है, लेकिन बॉलर पे चेंज करो, गेम सारा बॉलर पे यहाँ पे, ठीक है। अगले में क्या करो, टाइम इसको रख लो, अगले में क्या करो, पीटर हिज़बुल्ला उसको रख लो। अगर पांच से छह टीम बना रखी है अपने, तो सारा गेम फिर यहाँ पर है, आप फिर आप यहाँ पे ज्यादा डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि आप ये नहीं सोचोगे ना एक यहाँ से चल जाए, एक यहाँ से चल जाए, एक सातवें नंबर का बैट्समैन चल जाए, नहीं, हमें यहाँ से चौथे पांचवें तक ट्राई करना बहुत है इतना। अब जो पॉइंट देंगे वो ये बॉलर देंगे पॉइंट पहले। अब देखो एक चीज ध्यान से सुनना, कंफ्यूजन है थोड़ी बहुत, फिर से सुनना, ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो पहले हमने तीन बॉलर यहाँ से ट्राई किए, कैसे किया, देखो अगर मेरे पास एक बॉलर ये है, ठीक है, ये मेरा डिफॉल्ट है, ये मेरी समझ लो कि मेरी 10 के 10 टीम में रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अगर हमने 10 टीम बनाई है तो ये प्लेयर जो है 10 टीम में रहेगा। अब हमें दो बॉलर और ट्राई करना है, पहला पिक करो नाथन एलिस को, हमने पिक कर लिया। दूसरा क्या किया, संदीप रामेछाने को, एक टीम बन गई जो तीन बॉलर रहेगा। अब दूसरी टीम बनेगी, दूसरी टीम में क्या रहेगा, ये तो रहेगा नाथन एलिस को रखो, उसके बाद क्या करो, स्कॉट बोल्डन तो दूसरे टीम में ये रख लिया, ठीक है। तीसरे में क्या करना है, ये रहेगा तीसरे में, इसको पिक कर लेना, आपके पास सारे बॉलर हो गए, है ना। अब कैप्टन वाइस कैप्टन करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, पहले को कैप्टन करो, ठीक है, और जो इनके ओपनर होंगे ना उनको वाइस कैप्टन मार दो। दूसरे बॉलर को कैप्टन करो, इनका जो वन डाउन वाला प्लेयर होगा वाइस कैप्टन मार दो। तीसरे में कैप्टन करो स्कॉटलैंड को, इनका जो फिर थर्ड डाउन का होगा या ओपनर होगा उनको वाइस कैप्टन मार दो। उसके बाद क्या करो, जो चौथा बॉलर होगा उसको कैप्टन करो, वाइस कैप्टन उसको मार दो, क्योंकि सीधी सी बात है कोई एक प्लेयर है जो तीन विकेट लेके जाएगा, है ना, या दो विकेट लेके जाएगा, क्योंकि 60 से 70 पॉइंट बहुत मायने रखते हैं T20 में एक प्लेयर अगर देता है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, आंख बंद करके अगर भी खेलोगे ना भाई, तब भी यार रैंक यही करे, क्योंकि देखो अब क्या होगा, आपके पास ये सारे बॉलर हैं, है ना, आप पहले से ऊपर हो, ठीक है, पहले से ऊपर रैंक में रहोगे कम से कम, नहीं तो मान लो कि 30-40-50-60 रैंक कुछ भी जा रही होगी, आप इतने पे हो, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, जब आप पहले से ऊपर हो उसके बाद इनकी फिर इधर से भी ऊपर हो, मतलब कि आपके पास एक तो बॉलर है जो विकेट ले जा रहा है और आपके पास बैट्समैन भी है जो रन मार रहा है, आपके पास दोनों हैं, फिर सेकंड में क्या होगा, फिर सेकंड में क्या होगा, चेजिंग के टाइम पे, चेजिंग के टाइम पे आपके पास वो प्लेयर है जो चल रहा है तब भी आप ऊपर हो, और उसके बाद विकेट जा रहा है तब भी आप ऊपर हो। तो सोचो कि टॉप 100 के अंदर रैंक लाना कितना ईजी है भाई, आप हर बार ला सकते हो, ये चीज सोचो, ठीक है। ये चीज सोचना क्या, देखो 6 और 7 बैट्समैन के अंदर पे जल्दी से आना नहीं है, जो अगर चेज करती है ना, आप वही सोचो कि 3 से 4 बैट्समैन बहुत है, ये मत सोचो कि मुझे 5 से 6 तक जाना है, वो तो बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा, वहां जाना नहीं है, 1, 2, 3, 4, 5 है, सीधी बात है, टीम डेविड तक बैटिंग आएगी, समझो कि रन मारेगा तो ही मारेगा, उसके बाद फिर कोई फायदा नहीं उनको लेने का, ठीक है। तो सीधी बात है, कोई दो बैट्समैन जो अच्छे खासे बैट्समैन देंगे पॉइंट, ठीक है, जो चेजिंग के टाइम पे है, जो दो बैट्समैन देंगे, क्योंकि फिर तीसरा जो बैट्समैन देगा, तीसरी जगह आपके पास बॉलर है उसकी जगह, फिर चौथा बैट्समैन लेने की जरूरत ही नहीं है, तो आपको सीधी बात है डार्सी शॉट ले लो। अब दूसरा बैट्समैन कोई सा ले लो, या तो आप फिर इसको ट्राई करो, दूसरे टीम में इसको ट्राई करो, तीसरे टीम में इसको ट्राई कर लो, ठीक है, क्योंकि आपके पास ये भी बॉलर होने चाहिए। अब तीन प्लेयर यहाँ से हो गए, तीन यहाँ से हो गए, 6 प्लेयर हो गए आपके पास, 6 हो गए, 2 8 हो गए, 8 हो गए, एक तीसरा बॉलर ले लो, तीसरा बैट्समैन ले लो, या फिर आप दो बॉलर यहाँ से लेके जाओ, दो बॉलर आप हर टीम में ट्राई करो। ये टीम कैसे करना है, आपने अगर तीन बॉलर यहाँ से लिया है तो एक चौथा कोई सा ही उठा लो, ये मत सोचो मुझे कौन सा बॉलर लेना है, कौन सा बॉलर विकेट ले जाएगा हमें पता ही नहीं है, है ना, क्योंकि आप नजर इस पे रखोगे, इस पे रखोगे बॉलर ये दो विकेट निकाल के ले जाएगा, फिर कुछ फायदा नहीं है ना हमारी इतनी मेहनत का। तो सीधी बात है, आपको क्या करना है, आपको यहाँ से तीन बॉलर लेना है, एक बॉलर यहाँ से लेना है, तीन बॉलर फिर यहाँ से है, तो दूसरा बॉलर ट्राई करना है, फिर तीसरा बॉलर, फिर चौथा बॉलर, आपके पास सोचो सारे बॉलर यहाँ से आपके पास है, सारे बॉलर आपके पास यहाँ से है, सारे बैट्समैन आप यहाँ से हैंडल करो, हर जगह तो हैंडल है ना। अब कैप्टन वाइस कैप्टन के सबसे बढ़िया ऑप्शन यही है कि आप हर एक बॉलर को कैप्टन करो, वाइस कैप्टन ओपनर को कर दो, फिर दूसरे बॉलर को कैप्टन करो, वाइस कैप्टन
जो वन डाउन पे आएगा उसको करो, क्योंकि सीरीज बात है अगर ये यहाँ पे खेल रहा है, पहले इनकी बैटिंग है, एक दो तीन चार पांच है ना, अब पांच में से इनमें से कोई दो प्लेयर तो है जो कम से कम 50-60 पॉइंट देके जाएगा जाएगा, ठीक है। आप पहले अगर जो इंग्लिश को कर लो, अगर वो नहीं चलता ठीक है, अगली टीम में हम क्या करेंगे मिचेल मार्श को कर लेंगे, ठीक है, और अगली टीम में क्या करेंगे अस्टोर चंद्रो कर लेंगे। अगर नहीं भी करता, अगर तीनों नहीं करते ठीक है, आप कैप्टन वाइस कैप्टन इधर से रखो, वाइस कैप्टन जब इनकी चेज करेंगे इधर से रख लेना, डाजी शॉर्ट को रख लो, फिर आप क्या करो हैरी बुक हो या पीटर हैंड्स का कोई किसी को भी रख लो कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए। कैप्टन वाइस कैप्टन इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखेगा, आपकी टीम अच्छी होनी चाहिए। अगर टीम अच्छी है तो सीधी सी बात है यार, कैप्टन वाइस कैप्टन तो वैसे तुक्के में लग जाता है तब भी सही चल जाता है ना, टीम अच्छी होनी चाहिए। अगर टीम परफेक्ट है तो हर एक चीज बेटर है। ये चीज जो चीज मैंने समझाया, ये चीज समझना ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो पहले बॉलिंग करता है वहां से गेम शुरू करो, है ना, क्योंकि सीधी बात है 6-7 विकेट गिरते हैं, अगर 5 भी विकेट गिरते हैं ना तब भी आपके पास तीन बॉलर हैं। अगर मान लो 5 विकेट गिरते हैं, 5 में से कोई एक प्लेयर तो रहेगा जो 2 विकेट लेके जाएगा, तब भी आपके पास कैप्टन आपके पास ही होगा। आपके पास ये भी कैप्टन, हर एक प्लेयर कैप्टन है। और आप सबसे बड़ी बात कि आप एक टीम में तीन बॉलर लेके जा रहे हो, ये नहीं आप किसी हाफ में इसको भी ट्राई किया इसको भी ट्राई, हर किसी को ट्राई कर रखा है और तीन बॉलर है आपके पास, है ना, तो गेम यही तो गेम है भाई। और चौथा बॉलर आप इधर से उठाओगे, कोई सभी अगर ले जाएगा, अगर ये 2 विकेट ले जाएगा तब भी आपके पास है, ये 2 विकेट ले आएगा तब भी आपके पास है, ये 2 विकेट ले आएगा तब भी आपके पास है, यानी कि 3 बॉलर इधर से, चौथा बॉलर इधर से, है ना, और 500 बॉलर भी ले सकते हो, 5 बॉलर भी जा सकते हो, वैसे 5 बॉलर जाना तो इससे बढ़िया तो इतने तो बॉलर बैट्समैन ही पॉइंट दे जाएंगे, है ना। तो सबसे बढ़िया ट्रिक है, इससे बढ़िया ट्रिक तो कोई हो ही नहीं सकती है ना। तो टीम बनाना, आज बीबीएल का मैच है, टीम बनाना, टीम एक बार क्या करना, देखो सीधी सी बात है, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक लगाना, इनके 11 प्लेयर लिख लेना, जब लाइनअप आती है, लाइनअप आती है 34-35 मिनट पहले लाइनअप आ जाती है, ठीक है, उसके बाद क्या करना, आप एक पेयर पहले से बना के रखो, आप घर पे हो अगर आपके पास कॉपी किताब है, ठीक है, आप पेयर पहले से बना के रख लो ना, जब टीम आएगी बस आपको क्या करना है, जैसे लाइनअप अनाउंसमेंट होती है आपको अप्लाई कर देना है, बिल्कुल सेम चीज है। सीधी सी बात है यार, जो पहले बॉलिंग कर, जो पहले बैटिंग करता है उनके 3 बैट्समैन चलते हैं, और जो पहले बॉलिंग करते हैं उनके 3 बॉलर चल रहे हैं, 6 प्लेयर तो आपके पास सीधे हो गए। अब कुछ भी हो जाए, देखो 5 ही बॉलर तो है इनके पास भाई, अब इनके साथ पहला एक बॉलर ये ट्राई कर लो, फिर इनके साथ दूसरा बॉलर ये ट्राई कर लो, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा, कोई इनमें से एक बॉलर तो रहेगा जो 2 विकेट लेके जाएगा, वो किस टीम के साथ हो जाएगा कुछ पता नहीं है, और ऐसी टीमें बनने बिल्कुल यूनिक टीमें बनेंगी और बिल्कुल इसी तरीके से विन हो जाएगा। इससे बढ़िया कोई ट्रिक हो ही नहीं सकती T20 की, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। आपको अगर पिच रिपोर्ट नहीं पता तो घंटा फर्क नहीं पड़ता, पिच रिपोर्ट नहीं पता, ठीक है ना, कितने रन बन रहे चाहे 200 रन बन रहे कुछ भी नहीं पता, अगर 200 भी रन बन रहे, अभी कल पाकिस्तान का मैच हुआ था उसके भी 3 बैट्समैन चले थे, मैंने टेलीग्राम में बोला था कि ये चीज मैं कल बताऊंगा, उनके भी 3 ही बैट्समैन चले थे, है ना, तो ये चीज ध्यान रखना, T20 मैच में 3 ही बैट्समैन चलते हैं। आप गडफिल के साथ जाओ, आप पहले इसको ले लूंगा ये लूंगा ये लूंगा, या फिर इसको छोड़ के ये लूंगा या ये छोड़ के ये 3 बैट्समैन आप उधर से उठा लो, बिल्कुल बेझिझक 3 बैट्समैन हो, 3 बॉलर इधर से उठा लो, हर बॉलर को ट्राई करो, ग्रैंड लीग तो आपकी होगी। बाकी आप अपनी टीम बनाओ, मैं अपनी टीम बनाता हूँ, देखते हैं कैसे किसकी टीम है ना, बाकी स्मॉल लीग की टीम अपने टेलीग्राम चैनल पर दे देता हूँ, है ना, और मेरे टेलीग्राम पर बिल्कुल भाई यूनिक आती है देखो, क्योंकि मैं फेक स्क्रीनशॉट नहीं डालता हूँ, बिल्कुल बंद है, बहुत पहले डालता था अब नहीं डालता हूँ, मैं अपनी ग्रैंड लीग की टीम डालता हूँ, विन करता हूँ एक हफ्ते में ग्रैंड लीग में निकाल लेता हूँ, है ना, अगर विन करता हूँ जो भी होगा मैं अपना टेलीग्राम पर डाल देता हूँ, है ना, अगर आपको ग्रैंड लीग विन करना हो तो आप देखो सीधी सी बात है, किसी पे निर्भर मत रहो, ठीक है, आप खुद से कर सकते हो यार, एक बार ट्राई तो करो, है ना। आपने मान लो कि आपने बहुत सारा प्राइम दे रखा है, मेरे पास भी आते हैं, मैं खुद प्राइम देता हूँ, लेकिन बहुत सारे बंदे आते हैं कहते हैं बहुत ट्राई किया, मत ट्राई करो, आप खुद से ट्राई करो सबसे बढ़िया, इससे बेस्ट ऑप्शन आपके पास हो ही नहीं सकता भाई। बाकी सारी चीजें मैंने बता दिया है, अगर आपको नहीं समझ में आता है एक बार मैं वॉइस रिकॉर्डिंग डालूंगा, ठीक है, टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाना, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, वहां से ज्वाइन हो जाना है, एक बार मैं फिर से बता दूंगा, अगर आपको नहीं समझ में आता है ना, एक मैं छोटी वीडियो बना के फोन पे ड्रीम लोन की बना के मैं डाल दूंगा, वहां से समझ लेना एक बार, ठीक है, मैं डाल दूंगा, ठीक है, छोटी वीडियो देगी 2-3 मिनट की, एक बार मैं समझा दूंगा, बाकी इससे बढ़िया ऑप्शन कोई है ही नहीं है ग्रैंड लीग विन करने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।